सो हेयर कट के बाद हिम्मत अपने एक फ्रेंड का एड्रेस लिख के लेके आया था, तो वहाँ पे लेके आई हूँ मैं उसे उसके देखने के लिए, और उसका घर देखे ना खुश होना, कह रहा मैं खेडन चल जाऊँ, मैं अगर वीकेंड पे आई, पर या गप्पा मार रहे दोनों। तो दोस्तों हम घर आ चुके हैं, मैं हिम्मत को उसके फ्रेंड के घर लेके गई थी देखने के लिए कि उसका घर कहाँ पे, उसका घर स्कूल के काफ़ी नज़दीक है। एंड फिर मैंने उसे कहा था कि हस्बैंड डैडी ले जाएंगे तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास, वो मान गया। अब वो हस्बैंड के साथ चला गया है दोस्त के घर के पास वाली पार्ट में प्ले करने के लिए। सो आज मैं कुक करने वाली हूँ वाइट चने, उसको जल्दी से गैस पे रख देते हैं, बाद में मैं आपके साथ दो चार बातें शेयर करूँगी। ओके आज मैं बनाने वाली हूँ वाइट चने, वो इसलिए क्योंकि वाइट चने बहुत ही ज़्यादा नहीं बनाते हैं हम, मुझे लगता है कि एक महीने दो तीन महीने में एक ही बार बनते हैं। राजमा राइस बन जाते हैं मंथ में दो बार, पर हमेशा मैं राजमा ही बनाती हूँ, तो आज मैंने सोचा वाइट चने बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड बहुत खुश होकर खाते हैं वाइट चने, एंड हिम्मत को भी अच्छा लगता है, उसको लगता है कि ये राजमा के ही ब्रदर हैं, वो भी खा लेता है, राइस के साथ भी खा लेता है, रोटी के साथ भी खा लेता है, तो वाइट चने बनाएंगे। एंड 550 हुए हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम हमारा डिनर 7:30 के अराउंड कर लें, क्योंकि फिर ना पेट में पड़ा रहे मील, वैसे आपको सोने के लिए जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों का घर है। एंड स्पेशली अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो स्टमक है ज़्यादा टाइम खाली रहे, एंड फास्टिंग की स्टेट में आपको ज़्यादा रहना चाहिए, स्पेशली डिनर यहाँ तक पर के बेड पर मत जाएँ, उसे पचने दें, समय लगने दें। बहुत सारे दोस्त मेरे हेल्थ के बारे में पूछते हैं, तो मैं बता दूँ मेरी हेल्थ अंडर काइंड ऑफ कंट्रोल है, पर कोई कोई दिन बुरा भी आ जाता है। एंड मैं मेडिकेशन पे हूँ, मैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खा रही हूँ, एंड 5 दिन हफ्ते में 2-2 गोलियाँ, एंड उसके साथ मैं बहुत सारी सप्लीमेंट्स खाती हूँ, बहुत सारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, जैसे कि बॉसवेल, अश्वगंधा, शलाकी, अर्थरिफ्ला भी खाती हूँ मैं, हल्दी खाती हूँ कुरकमिन ब्लैक पेपर के साथ, एंड उसके साथ साथ विटामिन डी भी खाती हूँ मैं, क्योंकि जिसको ये आर्थराइटिस की बीमारी हो, रूमेटॉइड स्पेशली, विटामिन डी उनके लिए बहुत अच्छा है। मैंने बहुत बार मेरा विटामिन डी टेस्ट कराया है, वो हमेशा नॉर्मल आता है, जब ये डिजीज़ की शुरुआत हुई थी तभी वो नॉर्मल ही था। तो मैं ओमेगा 3 भी खाती हूँ, ये 900 mg है, सो मैं 2-3 खा लेती हूँ, कभी एक खा लेती हूँ, देख लेती हूँ कि मुझे कैसा फील हो। एंड गूगल भी खाती हूँ मैं, ये जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्वेलिंग के लिए या फिर जब स्टिफनेस के लिए, ये खाती हूँ मैं।
एंड अगर ढेर सारी मुट्ठी भर की चीज़ें खाती हूँ। अभी मेजॉरिटी ऑफ इसमें चीज़ें आयुर्वेदिक हैं जो कि नुकसान नहीं करती हैं, अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो ऐसी कहीं पर रह जाएंगी, पर मुझे डिफरेंस फील होता है। तो ये जो ओमेगा है, विटामिन डी है, एंड मैं कई बार ए सी के भी खाती हूँ, क्योंकि डी को कंज्यूम करने के लिए आपको के की भी ज़रूरत होती है। जिंक भी खा लेती हूँ मैं, एंड पोटासियम भी खाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें खाती हूँ मैं, पर देख लेती हूँ मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कभी मैं ज़्यादा खाती हूँ कभी कम खाती हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं मेडिटेट करती हूँ, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, एंड मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आपकी सराउंडिंग कैसे होंगी या आपके सराउंड में लोग कैसे बिहेव करेंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर उसका रिएक्शन आप कैसा करोगे वो आपके कंट्रोल में है। अगर आपको कोई चीज़ें बॉदर कर रही है ना, एक कान से सुनना दूसरे से काट देते हैं। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं ऐसे, मैं अजीब लगेगा कि एक नहीं बहुत सारी गर्ल्स हैं जो बहुत परेशान होती हैं अपने इन लॉज के बिहेवियर से, अपनी सिस्टर इन लॉ के बिहेवियर से, या इसके उसके बहुत सारी चीज़। ये हमारी ज़िंदगी में चलता ही रहेगा, ये नॉर्मल है, हमें हर एक के साथ होता है। अगर उसके पास ये ना हो, कोई दोस्त उसको परेशान कर रहे हैं, कोई नेबर से परेशान है, सो आपको ऐसी सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना है। अगर आप फिज़िकली दूर नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट मेंटली रखें कि उनकी चीज़ें आपको रिएक्ट नहीं करेंगी। जब आप उनकी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं ना करेंगे, वो चीज़ उनको और ज़्यादा तकलीफ। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर कोशिश करके देखें। जब आसपास की चीज़ें आप पे असर करना बंद कर देती है ना, तो फिर वो लोग भी नहीं, उनके पास एनर्जी नहीं है कि पका ही मारते रहे आपके साथ, वो भी हट जाते हैं कि यार ये तो रिएक्ट ही नहीं कर लेंगे, क्योंकि यू नो बहुत मज़ा आता है किसी से रिएक्शन जान के। और दूसरी चीज़ है जो आपको हर्ट कर सकती है चीज़, लाइक कोई भी ऐसा आपका सीक्रेट या आपकी बहुत क्लोज फैमिली, जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर सकती है वो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत करें, क्योंकि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है आप कौन सी सिचुएशन में हैं। मे बी 100% आप लोग राइट हों, पर दूजा बंदा दोनों तरफ देखेगा, सो नो बडी इज़ इंटरेस्टेड कि आपके सीक्रेट्स क्या हैं। बट ये है कि फ्यूचर में जब उनको ज़रूरत पड़ेगी आपको दुख देने की, तो वो सीक्रेट्स या वो ऐसी चीज़ें ज़रूर यूज़ करेंगे। सो ऐसी चीज़ें फैलाएं मत, अपने तक ही रखें। और जब बंदा आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, आपकी मदर इन लॉ सस दे रही है, आपके यू नो फैमिली मेम्बर्स दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो बंदा आपको पता है कि यार ये मेरा जीना हराम कर रहा है, जब आप सुबह उठ के मेडिटेट करें या रब का नाम लेना, उनकी आत्मा के लिए शांति मांगा करें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सरसाइज है ना, पॉजिटिविटी समय लगाती है, नेगेटिविटी अम कम करती है। सो उसमें क्या करना है आपको कहना है कि एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब आप किसी बंदे को नहीं करते हैं, कोई दोस्त है कोई रिश्तेदार है, उसका बाहर वाली बॉडी को मत देखा करें, उसकी आत्मा को देखा करें। बोल जाएं कि उसने आपकी सास के कपड़े पहन रखे हैं, लाइक उसका बाहर का रूप आपकी सास का है, ये देखें कि जो उसकी अंदर जो सोल है ना वो आपसे परेशान है, मे बी इस लाइफ टाइम की या बहुत सारे पुराने लाइफ टाइम की। सो जब आप प्रेयर करेंगे ना, तो आपको प्रेयर करनी है कि आपकी मदर इन लॉ की सोल या आपके दोस्त की सोल को रब शांति दे, और जो भी हमारा कार्मिक कनेक्शन है उसको मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। अगर मैंने इस आत्मा को पास में कभी भी दुख दिया है तो मैं उसको उनसे फॉरगिवनेस मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एंड अगर आपने मुझे कोई तकलीफ दी है पास्ट में, उससे मैं फॉरगिव करती हूँ। ये 10-4-5 चीज़ें बोल लें, लाइक मीना 1.5 महीना बोलते जाएं, ये उन पर असर हो जाएगा। क्योंकि जो आपकी मदर इन लॉ है ना, उसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो उसके अंदर की सोल है ना, उसको आपसे प्रॉब्लम है, उसको आपसे नहीं आपकी सोल से प्रॉब्लम है। आप सोल टू सोल इस कार्मिक कनेक्शन को काट दें एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये करके देखें, इफेक्टिव है, समय लगेगा पर होगा। और बाहर दी सिचुएशन से अपने अंदर पे इफेक्ट मत होने दें, आई नो मुश्किल है पर हो जाएगा। सो यस, दैट्स माय ज्ञान फॉर द डे, आई होप ये मदद करेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बार में कुछ बताना अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञानी किस्म का बंदा हूँ मैं, ज्ञान बढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज्ञानी पता नहीं मैं हूँ या नहीं, बट मैं लगता है कि 2-4 गल्ला मैंने पता है कि मैं खुश किधर रहा। सो वो मैं चाहती हूँ कि आप भी खुश रहें। बहुत लिमिटेड समय है हमारे पास इस धरती पर, हमें लगता है कि बहुत लंबा समय है पर एक्चुअली बहुत लिमिटेड है, आधी ज़िंदगी तो निकल चुकी है, पता भी नहीं चला है ना, अदा लगा है कि कल की बात है। सो समय बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है दोस्तों, सो वेस्ट मत करें, खुश रहे, लाइक फुल ऑन फुल फ्लेज लाइफ जी ले। आपकी ज़िंदगी का गोल पूरा मज़े से हर मोमेंट को इन्जॉय करना और कॉन्शियसली जीना होना चाहिए। पास्ट को भूल जाएं एंड फ्यूचर की चिंता मत करें। नाउ 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 इन्जॉय करें, नाउ
100 चने की तैयारी करते हैं तड़के की। तड़के के लिए मैं सिर्फ टमाटर यूज़ करने वाली हूँ, ग्रीन चिली एंड अदरक, क्योंकि अनियन हमने पहले क्रश करके डाल दिया था और इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है डिटेल में, अगर आप देखना चाहें तो। सो अभी इसको क्रश कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ओके, मैं देख रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी मूवी जिसका नाम है बिग आइज। मुझे कंफर्टिंग ओल्ड मीनिंगफुल मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ओल्डन डेज, 50s 60s 70s नहीं इतना पसंद मैंने, देन 80s 90s नॉट बैड। चार टमाटर डालूंगी क्योंकि छोले खट्टे अच्छे रहेंगे। जब तड़का रख दूंगी ना मैं, फिर थोड़ी क्लीनिंग भी कर लेती, वैसे तो क्लीन ही है पर थोड़ा आग रहता है। सो हस्बैंड आए नहीं है अभी हिम्मत को लेके, उनको इसके बाद कोई शोइंग के लिए जाना है मुझे लग रहा, एंड मैं चाहती थी कि हम दोनों इकट्ठे बैठ के चाय पिए, दो प्यार दिया गला कर लिए, नफरत दिया जो भी गला कर लिए, एंड नहीं है वो घर पर, एंड मेरे पास वहाँ छल्ली भी है, वो भी हम दोनों ना खाते हैं इकट्ठे, और दोनों ने वेट करवानी फोन ले हस्बैंड ठंडी खाएंगे फिर। सो जो दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा क्लीनर यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ मिसेस मायर्स क्लीन डे, मल्टी सरफेस क्लीनर है ये और इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध है, एंड लेवेंडर है जो खुशबू मुझे अच्छी लगती है। ये थोड़ा महंगा क्लीनर है क्योंकि जो केमिकल वाले होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, एंड ये एक क्लीनर की बॉटल ले लें, उसके बाद आप अमेजोन से ना ये खरीद सकते हैं, आप खरीद सकते हैं कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा इसको ऐड करना होता है बॉटल में, एंड ना पिक दीजिए और पूरी बॉटल को पानी से भर लें, एंड आपका क्लीनर तैयार हो जाएगा। और ये मुझे लग रहा है मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था और अभी हाफ बाकी है, और मैं इसे हर चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, हर चीज़ मतलब हर चीज़, ऐसी मैंने 2-3 बॉटल्स लेके रखी हैं, एक 2 वॉशरूम में है अपस्टेयर्स, वॉशरूम का काउंटर क्लीन करने के लिए, शीशे को क्लीन करने के लिए, ये काउंटर को क्लीन करने के लिए, थोड़ा टाइल्स को क्लीन करने के लिए, सिंक को क्लीन करने, हर चीज़ को क्लीन करने के लिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। ढक्कन गलत लगा दिया मैंने, ये वाला ढक्कन लगाते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत जेंटल है और एक्चुअली ये क्लीन भी करता है, क्लीन भी बहुत अच्छा करता है। सो तैयार है ये 2-3 हफ्ते के लिए, अब गुड इनफ, और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ इसको। We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week. कॉर्न हो चुके हैं एंड हस्बैंड का अभी भी अता पता नहीं है, खा लाँगी फिर मैं आती हूँ अपनी गरम गरम ही खाऊँगी, राइट। इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लैक सॉल्ट, काला लून, काला नमक, एंड वैसे तो अगर आप लाइम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे पास अनफॉर्चुनेटली लाइम नहीं है तो मैं यूज़ करूँगी लेमन जूस। पहले तो इसको नमक के साथ मिक्स कर देंगे, फिर इन्हें दोनों का बनाएंगे कॉकटेल। सो इसे रज रज के लगाएंगे छल्ली के ऊपर, जैसे रेड़ी वाला लगाता है, आप ऐसे करके देखना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। नॉर्मल नमक के बदले काला लून लगा के देखें, इंडिया वालों को तो बाहर रेड़ियों से मिल जाती है, उनको ये टशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर कर सकते हैं, घर में बनाई चीज़ का क्या क्या बोलते हैं, कोई मुकाबला नहीं है, राइट। सो ये बहुत अच्छा स्नैक है, पत्ती के साथ खाएँ, गप्पे लड़ाएँ, उनको अपना दुख तकलीफ दसें कि कैसे उन्होंने आपकी ज़िंदगी को ख़राब करके रखा है। सो मेरे पति मिसिंग है तो मैं कल्ले बह के लुत्फ़ उठाऊँगी और मैं वड्डी छल्ली खाऊँगी। हाँ,
बट इन्हीं खाऊंगी मैं, वो खाऊंगी जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखती है। ओके, यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप भी ऐसे करते हैं कि अपने लिए थोड़ी ठीक ठाक चीज़ रखते हैं, पति के लिए एंड बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छी रखते हैं? मैं ऐसी गाई लिया पति ने खूबसूरत दिन दिया बाहर ना बहुत ज़्यादा अच्छा सही हो। I wish somebody used their bugni money to get me my dream bike. Okay, so टमाटर का जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। मेरी फेवरेट इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर और उसी के साथ थोड़ी सी रेड चिली और इसमें हम हल्दी स्किप कर देंगे। सॉल्ट मैंने अर्लियर भी ऐड करा था, थोड़ा सा और कर देते हैं एंड वी आर डन। और इसके बाद मैं थोड़ा सा चना मसाला भी ऐड करूँगी। रेसिपी नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो आप देख सकते हैं कुकिंग चैनल पे, तो यार थोड़ा आइडिया दे दूँ। इसमें मैं थोड़ा सा अनारदाना पाउडर ऐड करना भी पसंद करती हूँ सम डेज, वैसे थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि हमने टमाटर काफ़ी ऐड किया है, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि टमाटर ऑलरेडी बहुत है तो एनी खटाई की ज़रूरत नहीं है। पर इस तरह थोड़ा कलर भी अच्छा होता है एंड इसका जो खट्टापन है वो ज़्यादा मज़ेदार है। राइट ही मैट हिम्मत लव्स इट। तो मैं ना वाइट चने को थोड़ा निकाल के ना तड़के में मैश कर देती हूँ ताकि ना उससे थिक गली हो जाती थोड़ी। तो मैंने वाइट चने को तड़का लगा के उसको दोबारा से बंद कर दिया क्योंकि बहुत अच्छी तरह कुक नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे क्लीन भी कर दिए, भांडे भी मांग दिए हैं जो दोबारा हुए थे एंड राइस भी रख दिया एंड अब मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई है। ओके, सो मैं बता रही थी कि कैमरा बंद हो गया। सो मैं बता रही थी कि अब ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई, ऐसे अचानक से स्विच ऑन एंड ऑफ हो जाता है मेरे साथ और ना मैं खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं बैठना चाहती हूँ एंड या सोना चाहती हूँ। राइस के बनने की वेट करूँगी, तब तक मैं यहाँ पे बैठूँगी और उसके बाद मैं ऊपर जाके आराम करने वाली हूँ। समय हुआ है 7:30, 7:15, 15-20 मिनट में डिनर तैयार हो जाएगा। हिम्मत को खिला दूँगी, मेरा खाने के लिए इतना मन नहीं है, पेन किलर क्योंकि थोड़ी पेन ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। वैसे मैं पेन किलर ज़्यादा खाती नहीं हूँ बट जब बुरा दिन हो जाता ना तो फिर मैं खाती हूँ एडविल आर्थराइटिस पेन के लिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेन किलर्स मैंने ट्राई किए और जिस दिन मेरा बहुत ही बुरा दिन होता ना तब मैं ये वाली खाती हूँ। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ आपको खाएं, पर वंस इन अ वाइल इट्स ओके। अगर आपको अगर सह सकते हैं तो आराम कर सकते हैं तो जाएं बेड पे मसाज करें, थोड़ा हॉट बाथ ले सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ मैंने ट्राई करके देखी हैं, ये वाली सबसे ज़्यादा जल्दी कोई असर करती है एंड लंबे समय तक असर करती है। एंड ये जेल है क्लियर जल, जल्दी आपकी बॉडी में मिक्स होके जल्दी ना रिलीफ दे देती है। मैं ना पैरों में एंड लेग्स में दर्द थोड़ा शुरू हो गया। अच्छा है कि मैंने खाना ऑलरेडी बना लिया है। राइट, मैं प्रिस्क्रिप्शन वाली गोली भी अभी खा लूंगी। कई बार ना मैं तो फिर थल्ले नहीं आऊंगा ये मैं आना नहीं चाहती हूँ क्योंकि सारा काम मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। लंच के लिए हिम्मत राइस एंड चने लेके जाएगा। आवाज़ को हमारी बुलंदी रखते हैं। पानी हम पियेंगे। ओ एक और चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस, पानी ना आप टैप से सीधा मत पिया करें,
और वैसे तो टैप का पानी हेल्दी है, पर जब आप घर में ऐसे पानी भर के रखते हैं ना किसी भी जग में, तो उस घर की एनर्जी आपके पानी में आ जाती है, क्योंकि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है और वो पानी को याद रहती है। तभी हमारे रिलीजियस प्लेसेस से हम पानी घर पे लेके आते हैं, क्योंकि उस पानी में उस घर की उस रिलीजियस जगह की एनर्जी होती है, काफ़ी समय तक रहती है, पर फिर पानी जहाँ जाता है वहीं का हो जाता है और बहने वाले पानी की कोई एनर्जी नहीं है। सो जो स्टिल पानी आपके घर में पड़ा है उसकी एनर्जी है। और अगर आप किसी घर में जाके पानी पीते हैं जहाँ पे आपको बहुत नेगेटिविटी फील होती है, तो उसको हाथ में लेके प्रेयर कर लिया करें कि हे परमात्मा, इस पानी को शुद्ध कर दे और अपनी अच्छी एनर्जी डाल दिया करें 30 सेकेंड्स के लिए, तब पिया करें। अदरवाइज उस नेगेटिव घर की चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। तभी तो बहुत सारे लोग ना जो सुपरस्टिशियस होते हैं या ये चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो कई लोगों के घर का पानी भी नहीं पीते। ओके, आराम कर दे थोड़ा सा, पर ये पेन को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। नहीं, हावी क्या करेंगे, हावी तो हो ही जाएगी, पर सफरिंग नहीं बनने देंगे, क्योंकि जो है वो है। कुछ बताने वाली थी और मैंने चेता भूल गया कैसे। ओके, अज हस्बैंड का खूबसूरत मील नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज उन्होंने खूबसूरत नहीं मिलना, ऐदी खाएंगे आप ही। एंड थोड़ी देर में मैं और हिम्मत अपस्टेयर चले जाएंगे। एंड मैंने आज का जो व्लॉग अपलोड करना चाहती हूँ वो मैंने एडिट कर लिया है ऑलरेडी, एंड दैट्स इट। एंड आज मेरा खाने के लिए मन नहीं, मैं नहीं खाने वाली, मैं लग रहा है कि मुझे भूख लगी है, खाऊंगी दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। मैं ना छली खा के थोड़ा टिट भर गया, चाय का कप भी नहीं पिया मैंने, चड्डियाँ वड्डिया वड्डिया 3-4 डाली है मैंने, फिर भी मिर्च का फ्लेवर नहीं आ रहा। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं मिमिक करने की कि मेरी फेक एनर्जी, पर नहीं हो रहा। सो यस दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं। आज ही कोई ज्ञान की गाली की थी, आज हमने ज्ञान की बात कर ली है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाहर की सिचुएशन आपको इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी ने मुझे बताया था कि उनके इन लॉज उसे बहुत परेशान करते हैं, ये एक्चुअली फैक्ट है। जितना नेड़े का रिश्ता होगा वो आपको उतना ज़्यादा परेशान कर पाएगा, और जैसी उस रिश्ते की अथॉरिटी होगी वो और ज़्यादा परेशान करेगा। आई डोंट नो आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं या नहीं, पर मैं करती हूँ कि हम जब किसी के साथ रिश्ते में आते हैं, या कोई भी हमारा दोस्त है या कोई भी हमें बंदा रैंडम मिलता है, कोई भी इंसिडेंट कोइंसिडेंस नहीं होता है, सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है। और स्पेशली जिनके साथ हमारा रिश्ता थोड़ा लंबा चलता है, वो उनके साथ हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हर एक सोल आपको और आपकी सोल को इस अर्थ स्कूल में लेसन देने के लिए आई है कोई ना कोई। बहुत सारे लोगों को आप लेसन देते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी शायद आप मिज़रेबल बनाते होंगे या प्लेजेंट बनाते होंगे। हर एक सोल का कोई ना कोई पर्पस है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, उसके अंदर भीतर कुछ ना कुछ लेसन छुपा हुआ होगा। जब आपको वो लेसन सर्व हो जाएगा, या तो वो बंदा चंगा हो जाएगा, बदल जाएगा, या आपके दिन ज़िंदगी से रिमूव हो जाएगा। आप देखेंगे कि कई बार स्कूल में, कॉलेज में, नेबरहुड में हमें किसी के साथ बहुत प्यार होता है, हम इतने पक्के दोस्त होते हैं, एंड फ्यूचर में आपका उनके साथ कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जो कि आपसे आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे। सो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक का कुछ ना कुछ सीज़न है कि आपके सीज़न 1 में ये वाली सोल्स आएंगी, ये वाला लेसन देंगी, या ये फल ये वाला प्यार देंगी, और उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी से वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। धरती पे ही हैं वो, पर आपका ना उनके साथ कोई कनेक्शन रहता है, ना कम्युनिकेशन होता है। पर स्टिल सम सोल्स को आप प्यार ही करते हैं और सम सोल्स को आप हेट करते हैं। सो इस तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूजी आत्माओं को लेंगे ना, तो आपकी आसान हो जाएगी ज़िंदगी। अपने दोस्तों को या मुझे अगर भी पूछे, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि बाहरी दिखावे से मत सोचें कि ये रिश्ता है मेरा उस पर्सन के साथ, भाई है, बहन है, ये है, वो है। उसकी सोल के बारे में सोचें कि एक्चुअली उसकी सोल का आपके साथ कैसा कनेक्शन है। सो फॉरगिव कर दें एंड लेसन लर्न कर लें कि जो भी आपको लेसन उससे मिल रहा है। कई आपको टीच करते हैं लेसन ट्रस्ट नहीं करने का, या इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करने का। अगर आपको वो लेसन समझ में आ जाएगा, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से माइनस हो जाएंगी, और या फिर आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि आप उनको इग्नोर करें। सो आज के ज्ञान की बातों के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बार में छोड़ना, मैं और एलैबोरेट करूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं कि कोई भी रिश्ता या कोई
कोई भी सोल हमारी सर्कल में बिना रीजन से नहीं आती है. पर कई लोग हैं जो सिर्फ आपको प्यार देने के लिए आते हैं और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए आते हैं. यस यू कैन डू इट, यू इट. वो आपके असली सोलमेट्स हैं और वो आपको बूस्ट करने के लिए आते हैं. एंड कुछ है जो आपको तकलीफ देने के लिए आएंगे, पर उस तकलीफ के पीछे भी कोई लेसन हो. ये ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बार में कोई कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना. उससे मुझे मदद भी होती है एंड मुझे पता भी चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं या नहीं. और अगर आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है ज़रूर से कमेंट बार में छोड़ना. एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं एंड मैसेजेस कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाए. मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. बाय लालू.